स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपको हम यूपी ट्रिपल एससी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर दिखाएंगे, जो कि है जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट का यह पेपर हुआ था 4 जनवरी 2020 को और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में आपको टेस्ट के रूप में देखने वाला है। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप उसी को टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो आपको इस ऐप पे आना होगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या करना है। शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं एग्जाम वाइज, तो आपको सबसे नीचे जाना होता है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो एग्जाम वाइज टेस्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के लिए हिंदी चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यूपी का जीके यहाँ मिलेगा, जनरल नॉलेज यहाँ पे, और पिछले साल के पेपर और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पहले नंबर पे वनरक्षक, तो वनरक्षक का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो यहाँ से देख पाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट को कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2020 इवनिंग शिफ्ट। जब आप इस ऐप पे जाएंगे तो हो सकता है कि उस समय और भी सारे कई पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हम आज की वीडियो में 4 जनवरी वाले को ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं स्टार्ट क्विज पे क्लिक करके। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर इस वीडियो में हम 130 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या है, मतलब कि जो मंत्री है इसका लिंग क्या है, क्या है पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टाइमर चालू हो चुका है। ये लगभग 1 घंटे 50 मिनट आपको मिला है इस पूरे 130 क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, जो मंत्री शब्द का लिंग है ये पुलिंग होता है। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये उभयलिंग या फिर नपुंसक लिंग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोग ने अपने आंसर की में पुलिंग को ही सही माना और पुलिंग ही हिंदी ग्रामर के हिसाब से सही है। देखिए, कुछ पद ऐसे होते हैं जो कि उस पे अधिकतर केसों में पुरुष ही बैठता है, जैसे कि न्यायाधीश, राष्ट्रपति, मंत्री, तो वहाँ पे अगर कोई महिला भी बैठती है लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखता, वहाँ पे आपको मंत्री शब्द का लिंग पुलिंग ही बताना है। मतलब कि हिंदी ग्रामर के अनुसार मंत्री शब्द का लिंग पुलिंग होता है, ये आप अपवाद चाहे तो मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अपवाद को छोड़ करके वर्णमाला के अक्षरों का नाम किस लिंग में होता है। जैसे कुछ अपवादों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी का क ख ग ग इन शब्द का लिंग क्या है, पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर उभयलिंग है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए, ये होगा पुलिंग। कुछ को छोड़ दिया जाए, केवल ई को या फिर कुछ ऐसे हैं तो सभी लगभग पुलिंग ही है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको उत्तर पता चलते जाए यहाँ पे, तो जो हम बता रहे हैं वही सही है, चाहे तो आप इसको अगर यहाँ से सबमिट करेंगे तभी आप इसका सही उत्तर चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सा पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके सामने 4 विकल्प है, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो ये है भेड़ा। भेड़ में अगर आ प्रत्यय लगा देंगे तो हो जाएगा भेड़ में आ प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा भेड़ा। हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 2 से 3 सेकंड में आप अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। अगला है कि मैं चलती थी, इसमें मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं चलती थी, इसमें जो मैं है उसका बहुवचन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन, ये जो पेपर आया था 4 जनवरी 2020 को, ये काफ़ी टफ पेपर था। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे थे कि आंसर की आने के बाद भी लोगों में कंफ्यूजन बना रहा। तो इसमें जो मैं है इसका बहुवचन होगा हम। कई बार लोग सब पे क्लिक किए, लेकिन सही उत्तर होगा हम। इकारांत शब्द संज्ञा को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है, मतलब कि अगर कोई इकारांत है और उसको बहुवचन बनाना है तो आप क्या करेंगे। आपका विकल्प यहाँ पे है, तो ये अंतिम स्वर में अगर आप या लगा देंगे तभी इकारांत शब्द में बहुवचन बना सकते हैं। देखिए होगा क्या कि आपको चारों को
एक एक करके टेस्ट करना होगा, एक एक उदाहरण लेकर के, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? मतलब कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले कुछ उर्दू शब्द हैं जो कि है तो उर्दू लेकिन वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस तरह के भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है? प्रत्यय मतलब कि पीछे। तो हिंदी में हिंदी जो उर्दू वाले शब्द है जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं उनका हम हिंदी वाले ही प्रत्यय लगाते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि कूलन में, केली में, कछारन में, कूजन में, क्यारिन में, कलित क्लीन किलकत है, ये एक वाक्य है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह एक काव्य की पंक्ति है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित क्लीन किलकत है। तो इस काव्य में आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे होगा आपके हिसाब से आपका क्या होगा कमेंट करके बताइए। ये सही उत्तर होगा यमक। यमक में क्या होता है कि एक ही शब्द रहता है लेकिन उसका कई अर्थ होता है। आगे बढ़े तो अगला है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तुरंत बताएं कमेंट करके। तो ये है यमक, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चाहे तो इसको सबमिट करने के बाद ही चेक कर पाएंगे कि आपने कितना सही किया, आपका रिजल्ट कितना है। तो आप कोशिश करिए कि इसका पूरा 130 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अगला क्वेश्चन है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जो धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है उसका मतलब क्या है? 2 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। इसका मतलब है गुण, गुण। अगला है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति कहने का मतलब कि झुके कूल सो जल परसन, यहां से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो यहां पे है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। अभी तक हमने लगभग 10 क्वेश्चन कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको लगभग 60 से 70 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप पूरा टेस्ट देना चाहते हैं कंप्लीट जो 4 जनवरी को हुआ था, तो उसके लिए इस ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आप इसका टेस्ट दे सकते हैं जैसा कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है जा करके। अगला है कि आमरण में कौन सा समास है? आमरण, तो आमरण में अनु, आ, यथा, यावत, मतलब जहां आ जुड़ गया है यहां पे होगा अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व में जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तो यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। अपना क्वेश्चन देखिए, विकल्प देखिए और तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, ये होगा सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, ये होगा सुक्ति का सही संधि विच्छेद। आगे है कि नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरेश का होगा नरधन ईस, नरधन ईस होगा, अधन ई बराबर ए हो जाता है, तो ये होगा नरेश का। अगला है कि तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव, 2 सेकंड है आपके पास, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये होगा तथा धन एव, तथा धन एव। अगला है कि अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का ये होता है अति धन आचार, अति धन आचार। बेहद कुछ क्वेश्चन सिंपल थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बेहद टफ थे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। वाक्य है कि बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सही है। तो बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, यही सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए।
वाक्य है कि नदियों के पानियों में से सिंचाई की जाती है। नदियों के पानियों से सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती हैं। ये चार वाक्य है, बताना है आपको कि कौन सही है। तो नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि आदमी बनना, यह एक मुहावरा है, अब इसका अर्थ क्या होता है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये होता है अच्छा व्यवहार सीखना, मतलब क्या कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो ये होता है कि लेकिन तब से वो आदमी बन गया, मतलब कि अच्छा व्यवहार सीख गया। आंखें खुलना, आंख खुलना, आंख खुलना, आंखें बंद होना मतलब मृत्यु होता है, लेकिन आंख खुलना मतलब कि ज्ञान हो जाना, मतलब कि हमारी आंखें खुल गई, ये चीज हो करके हमारी आंखें खुल गई, मतलब कि ज्ञान हो गया। नेकी कर दरिया में डाल, ये एक लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होता है? आपके सामने चार विकल्प है, अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताइए। तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, ये होता है नेकी कर दरिया में डाल। अगला है कि चिराग तले अंधेरा, यह एक लोकोक्ति है, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चिराग तले अंधेरा मतलब कि निकट के दोस्त को न देख पाना। इसके सही उत्तर होगा निकट के दोस्त को न देख पाना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो चिराग होता है भले ही वो सबको प्रकाश देता है लेकिन उसके नजदीक खुद अंधेरा होता है। जिस काम के लिए वो बनाया गया है लेकिन अपने आस पास उस काम को भी सही से नहीं कर पा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ बताइए। ऑप्शन है बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा मिलना, ये आपके विकल्प हैं। देखिए पेपर अच्छा था तो इसका सही उत्तर होगा एक नई मुसीबत में पड़ना, मतलब एक मुसीबत में तो था ही फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया। किनारे लगना, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। किनारे लगना, लगाना या लगना, तो यहाँ पे ये होता है कि आपका ऑप्शन है किसी कार्य को समाप्त कर देना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। सही उत्तर होगा पहला वाला, क्योंकि ये तीनों इसका अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक मुहावरा है जो कि किसी दूसरे काम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि उथला शब्द का विलोम क्या होगा? उथला, उथला मतलब कि क्या होता है ये आपको बताना है। उथला मतलब कि थोड़ा सा गहरा, छिछला, लेकिन इसका विलोम होगा गहरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि स्वर्ग शब्द का विलोम क्या होगा? स्वर्ग, विलोम बताना है आपको। वैकुंठ है, देवलोक है, नरक है और परम धाम है, तो स्वर्ग का होगा नरक, बेहद आसान है। अगला है कि राग शब्द का विलोम क्या होगा? राग का अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुरक्ति, देखा जाए तो इन्हीं दो क्वेश्चनों में से ए और बी में से ज्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन सही उत्तर है विराग, राग का विराग। अगला है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम, स्थूल, बारीक, छीण या फिर पतला, तो सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा स्थूल, स्थूल होगा इसका विलोम। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? स्वाधीन, स्वाधीन है तो इसका विलोम बताना है आपको। स्वाधीन मतलब कि किसी के अधीन नहीं, इसका सही मतलब होगा स्वतंत्र, स्वच्छंद, निरंकुश, लेकिन जो पराधीन है ये इसका विलोम है, स्वाधीन का विलोम होगा पराधीन। अगला है कि नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक, बताइए कमेंट करके, नाविक का सही संधि विच्छेद, अयादि संधि है, तो ये होगा नौ धन एक, नौ धन एक। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए, उज्ज्वल लिखा गया है, अब आपको चारों में से बताना है कि कौन सा सही है उज्ज्वल का, तो ये होगा उत्धनज्वल, मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विसर्ग संधि होती है, अब व्यंजन विसर्ग संधि, उसमें
ये जो पहला वाला है तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाता है, उसी संधि के तहत इसको उज्ज्वल किया जाता है। आगे बढ़े तो अगला है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर इसमें भी वही है, पहला का तीसरे में हो जाना, मतलब क रहेगा तो ग हो जाएगा, च रहेगा तो च छ ज हो जाएगा। तो इसी तरह इसका सही उत्तर होगा दिगंबर, दिक धन अंबर। यहां पर अगर आपको इस वीडियो में कम समय मिल पा रहा है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करें जहां पर आपको 130 क्वेश्चन मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी के ढेर सारे टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं लगातार, वहां से आप जाकर उनको देख सकते हैं। अगला है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद, तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद होगा उत्तधन लंघन, उत्तधन लंघन। अब देखिए कौन सा सही है, ये वाला सही होगा क्योंकि इसमें भी वही है, यहाँ पे पहला का ल हो जाता है तो का ल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बनता है उल्लंघन। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी होता है, बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही है। छोटी छोटी गलतियां रखी गई हैं तो आपको आसानी से नहीं पकड़ में आएंगी, तो इसका होगा कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, यही सही होगा। देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। हम इसी तरह के ढेर सारे टेस्ट लगातार अपलोड कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे ऐप पे बने रहें। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐप को डाउनलोड करते हैं, कुछ टेस्ट देने के बाद फिर से अनइंस्टॉल कर दिया, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप ऐप के साथ बने रहेंगे तो आपको और भी मॉक टेस्ट जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता रहेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुला पैसा देने की कृपा करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। देखिए यहाँ पे चार वाक्य है, बताना है आपको कि कौन सही है। कृपया करके खुले पैसे दें, तो जब कृपया लिखा गया तो करके लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये गलत है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। इसमें ये सी वाला सही होगा, बी वाला इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि दो बार कृपया का हुआ है, कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, तो ये गलत होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। चिड़िया ने दनादन पांच दाना चुग गई, चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, चिड़िया दनादन पांच दाना चुग लिए और चिड़िया दनादन पांच दाना चुग गई। ये चार वाक्य हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है आपके हिसाब से। तो ये है कि चिड़िया दनादन पांचों दाने चुग गई, ये सही होगा। पांच दाना कहने का कोई मतलब नहीं है, पांचों दाने होंगे। अब बताइए कि इसमें से कौन शुद्ध वाक्य है। भारत में चंद्रयान टू लॉन्च किए हैं, भारत ने चंद्रयान टू लॉन्च किए हैं, आप खुद पढ़िए ज्यादा समझ में आएगा। तो भारत ने चंद्रयान टू लॉन्च किया है, ये सही होगा इसके लिए, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं डाला गया है, सारे क्वेश्चन वही हैं। अगर आपने वो पेपर दिया होगा 4 जनवरी वाला तो आपको खुद पता होगा कि कौन से, मतलब कि एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया अपने मन से। सन्मार्ग शब्द का विलोम बताइए, सन्मार्ग यहाँ पे आपके विकल्प हैं, ये होगा कुमार्ग, सन्मार्ग का कुमार्ग। अगला है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम, तो घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम, प्रेम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची, अचल पहाड़ का पर्यायवाची होता है, गिरी भी होता है, आदरी भी होता है, लेकिन आपका सही उत्तर होगा अचला। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, तोयज और घन तीनों बादल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपका सही उत्तर होगा अब्र, क्योंकि यहां पूछा गया कि पर्यायवाची नहीं है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर जाकर आप ये पूरा देखिए 130 क्वेश्चन है, आप पूरा टेस्ट दे सकते हैं। और आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में रखना है क्योंकि
आप देखेंगे कि जल्द ही आपको और भी कई तरह के टेस्ट मिलने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी से संबंधित। यहाँ पर अगर आप चाहें तो करंट अफेयर का भी टेस्ट दे सकते हैं, और उसके लिए आपको सबसे ऊपर जाने पर करंट अफेयर का सेक्शन मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।